दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में सोलविन कोल्ड एलएस सिरप के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलती है, कौन सी प्रॉब्लम में काम आती है, किस तरह से काम करती है, इसके डोज क्या होती है, साइड इफेक्ट क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, जानेंगे सब कुछ। हो देखिए दोस्तों, सोलविन कोल्ड एलएस एक सिरप है, लिक्विड है, इप्का कंपनी का, इप्का कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, लगभग हर दवाई की दुकान पर आसानी से मिल जाता है, काफी पॉपुलर। लेकिन इसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट बच्चों में होने वाली प्रॉब्लम में प्रिस्क्राइब करते हैं, तो सेल्फ यूज नहीं करना है, डॉक्टर की देखरेख में बच्चे को देना है। कहाँ देना है, वहां दिया जाता है जहां पर बच्चे के जकड़न हो जाती है, छाती के अंदर, चेस्ट के अंदर कफ जम जाता है, मुक्कस जम जाता है, बच्चे को फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, छाती के अंदर तैंते की आवाज आती है, एस्थमेटिक एलर्जी हो जाती है, गले तक कफ आता है, नाक के अंदर भी कफ इकट्ठा हो जाता है, बच्चे का नाक बंद रहता है, कोल्ड की प्रॉब्लम है, बच्चे को नाक से पानी आ रहा है, छींकी आ रही है, उस कंडीशन में दिया जाता है, गले में सूजन है, गले में कफ है, भारीपन है, वहाँ दिया जाता है। कहने का मतलब है एज एक्सपेक्टोरेंट ये काम करती है, है ठीक है, कफ को, मुक्कस को बाहर लाने में काम करती है, छाती को खोलती है, सांस लेने में आसानी देती है, तो वहाँ पर ये दी जाती है। बात करें भाई मोड ऑफ एक्शन के बारे में, तो दोस्तों इसके अंदर आते हैं तीन सोल्ट, पहला है लीवोसल्बुटामोल, दूसरा है एम्ब्रोक्सोल और तीसरा है ग्यूफिनसिन। दोस्तों लीवोसल्बुटामोल मांसपेशियों को चौड़ा कर आराम देता है, जिससे कि ब्रीथिंग आसानी से हो जाती है, तो ब्रीथिंग में जगह है। एम्ब्रोक्सोल श्वास लेने से कफ को क्लीन करता है, अगर कोई कफ छिपा हुआ है श्वास लेने में तो उसको हटा देता है, जिससे कि ब्रीथिंग और भी ज़्यादा आसानी से हो जाए। ग्यूफिनसिन दोस्तों कफ को ढीला कर बाहर निकालता है, छाती के अंदर से कफ को बाहर निकालने में काम आता है। बात करें डोज की, तो बच्चे का बॉडी वेट देख के डॉक्टर वैसे तो डोज प्रिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा एक साल से लेकर तीन साल तक का है तो वो वहाँ पर ढाई ढाई अमल दिन में दो से तीन बार ले सकता है, तीन साल से बड़ा बच्चा पांच पांच अमल दिन में दो से तीन बार ले सकता है। वैसे दोस्तों बॉडी वेट को देखते हुए ही डोज निर्धारित की जाती है। बात करें भाई साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, देखिए थोड़े बहुत हो सकते हैं एलोपैथी मेडिसिन, जैसे कि नींद आने में दिक्कत होना, देने के बाद वोमिटिंग हो जाना, बच्चे का आराम नहीं मिलना, या पेट में दर्द होने लगा, खांसी बढ़ जाना, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर चांस में होते हैं, हर किसी को नहीं होते, तो घबराने की बात नहीं है। सावधानी ये कहूँगा कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट की देखरेख में देना बच्चे को, देने के बाद अगर बच्चे को आराम नहीं मिले, ट्रीटमेंट पूरा हो जाए तो तुरंत डॉक्टर को बताना है, ट्रीटमेंट चेंज कर लेना है। दोस्तों बॉडी के ऊपर कोई भी एलर्जी दिखाई दे देने के बाद तो तुरंत इसका यूज़ करना बंद कर दीजिएगा, डॉक्टर को जरूर बताइएगा उन एलर्जी के बारे में, लेकिन बहुत ही कम चांस में होते हैं, घबराने की बात नहीं। दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था, वीडियो कैसा लगा कमेंट से बताएगा, कुछ भी समझ में लग कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं।